आरवीन एलका जो है कंपनी जो है ये शेयर जो कि एएसएम में है, अभी ये फिलहाल ये एएसएम में है जिसका एक इम्पैक्ट हम लोग को शेयर में पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एएसएम में कंपनी एंट्री किया है, अभी यहाँ पे बोलते कि जो ऐसे बहुत सारे जो है इन्वेस्टर्स है, हो सकता है कि अरविंद के शेयर में थोड़ा ज्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है। इसका जो एक हाई प्राइस बनाया था जो कि 600-650 रुपए का एक हाई प्राइस था, वहां से देखते हैं 600-650 शेयर का प्राइस अभी बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, 471 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे कुछ अपडेट्स है आरबीएल को लेके जो हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने इन्वेस्टर्स के लिए, तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा डिटेल में समझेंगे आरबीएल के शेयर को लेकर। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रही कि बेबी स्किप मत कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नवाइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए, सब्सक्राइब आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। देखिए शेयर का प्राइस अभी आरबीएल का जो कि 0.2% मतलब एक दिन में जो है 0.2% के आसपास डाउन हुआ है, वही बात करते हैं आप एक हफ्ते में 12.2% के आसपास शेयर के पास डाउन हुआ है, 471% के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे वन मंथ में देखते हैं तो 10.2% के आसपास शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। दोस्तों कंपनी का Q2 25 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी 7 नवंबर को शेयर करने वाला है। अभी आप देखिए ये जो आरबीएल है इसका देखते हैं तो वन मंथ में देखिए क्या हुआ है शेयर में, एक हाई प्राइस इसने बनाया है 514.65 पैसे का और जो लो प्राइस बनाया है 408.15 पैसे का। मतलब कंपनी अभी जैसे कि एएसएम में आरबीएल, तो एएसएम में कहा जाता है कि शेयर का प्राइस जो है उतना ज्यादा तेजी नहीं बनाता। ये जो है इन्वेस्टर्स के लिए मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को कि कंपनी का शेयर जब भी कोई कंपनी का शेयर एएसएम में रहता है। अभी यहाँ पे देखिए जो इसका एक हफ्ते का हाई प्राइस इसने बनाया है आरबीएल के शेयर ने जो कि 479.70 पैसे का और जो लो प्राइस बनाया है 408.15 पैसे का। दोस्तों कंपनी का आरबीएल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 98,194 करोड़ का जो है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टेक्निकली बात करते हैं आरबीएल के शेयर को लेके, टेक्निकली ये शेयर आप देख सकते हैं एक न्यूट्रल पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड जो आरएसआई इंडिकेटर है, आरएसआई इंडिकेटर कह रहे हैं ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। मैकडी इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है एक 42 पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी अगर देखते हैं तो टेक्निकली आरबीएल का शेयर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। दोस्तों देखिए शेयर का प्राइस जो है एक बोल सकते कि जो कुछ दिन में देखेंगे तो एक बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया था शेयर का प्राइस ने, 500-550 के आसपास ये शेयर पहुंच गया था वन मंथ का जो इसका हाई प्राइस है। वहां से देखते हैं तो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, तो ये ध्यान देना चाहिए कि कंपनी जो अभी एएसएम में चल रहा है अभी इसको लेके ऐसे कुछ अपडेट्स आया है आरबीएल को लेके जो बोल सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग अपडेट्स है। आगे इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि क्या अपडेट आया है आरबीएल को लेके। देखिए प्रमोटर्स जो है, प्रमोटर्स के पास देखते हैं तो 72.84% का स्टेक है, FIS के पास 5.05% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 0.21% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 6.12% का स्टेक है और पब्लिक के पास 15.78% का स्टेक है। दोस्तों आरबीएल को लेके जो अपडेट आया है कि कंपनी को जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिला है। देखिए आरबीएल जो है प्रिपेयर्स टू Q2 रिजल्ट, मतलब कंपनी का Q2 25 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो कंपनी अभी शेयर करने वाला है। यहाँ पे स्टॉक में एक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि स्टॉक जो हैज बीन इंप्रेसिव लॉन्ग टर्म गेन्स बट करेंटली एक्सपीरियंसिंग ए करेक्टिव फेज, तो फिलहाल अभी जो है शेयर करेक्शन मूड में है तो वो आपको ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 20% के आसपास जो शेयर का प्राइस डाउन हुआ है और यहाँ पे एक साल में देखते हैं पास्ट ईयर में जो कि 200% के आसपास शेयर ने रिटर्न दिया है। मतलब कंपनी का शेयर अभी आरबीएल का शेयर पहला तो ये करेक्टिव मूड में है, करेक्शन बना सकता है, शेयर का प्राइस और ज्यादा थोड़ा डाउन हो सकता है। और यहाँ पे एक साल में मतलब पास्ट ईयर में देखेंगे तो कंपनी के शेयर का प्राइस लगभग 200% के आसपास रिटर्न दिया है आरबीएल के शेयर के प्राइस ने। बात करते हैं दोस्तों आरबीएल जो है इसका, देखिए अभी जो एक अपडेट आया है जहां पे आरबीएल सिक्योर्स 284 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फ्रॉम ईस्ट कोस्ट रेलवे कंपनी का जो है ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है आरबीएल को जो कि 284 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ये जो कि मिला है ईस्ट कोस्ट रेलवे से। एंड ये जो है लगभग बताया जा रहा है कि 24 मंथ्स के अंदर आरबीएल को कंप्लीट करना है, तो एक बिग प्रोजेक्ट या फिर बड़ा प्रोजेक्ट बोल सकते कि आरबीएल को मिला है। ऐसे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स आरबीएल के पास, अभी देखते हैं तो आरबीएल को जो प्रोजेक्ट्स मिला है और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है उसका एक इम्पैक्ट भी हम लोग को बीच में शेयर में पता हुआ देखने को मिला था, थोड़ा सा शेयर में तेजी बढ़ा था, बहुत ज्यादा बोल सकते कि शेयर में कुछ खास जो है रिटर्न वगैरह देखने को फिलहाल हम लोग को नहीं देखने को मिला है कुछ दिन में। अभी आरबीएल का देखते हैं तो कंपनी को जो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिला है एंड यहाँ पे देखते जो बताया जा रहा है तो आरबीएल को जो यहाँ पे कंप्लीटेड लोएस्ट बिडर फॉर 186.76 करोड़ प्रोजेक्ट फ्रॉम ईस्ट जो है सेंट्रल रेलवे, तो एक तो कंपनी को मिला है ईस्ट कोस्ट से एक प्रोजेक्ट और यहाँ पे कंपनी को जो आरबीएल को और एक जो प्रोजेक्ट मिला है जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 186.76 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और जहां पे कंपनी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वॉल्विंग
जो ट्रैक्शन जो बोल सके सबस्टेशन है उसमें काम करेगा कंपनी। द प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 540 डेज। तो यहाँ पे अगर समझते कंपनी के पास ऐसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स है जो आरबीएल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आरबीएल कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों कंपनी का आरबीएल का जो अभी कुछ दिन पहले का अपडेट आया था जहां पे आरबीएल फेसेस प्रॉफिट डिक्लाइंस एंड एम्ड एक्सपेंशन एफोर्ट्स। आरबीएल का जो यहाँ पे एक्सपेंडिंग विद ए न्यू सब्सिडियरी, जैसे कि सऊदी अरेबिया में जो एक नया सब्सिडियरी बनाया है आरबीएल ने, जहां पे अगर देखते हैं फेसिंग 35% डिक्लाइन इन Q1 फाइनेंशियल 25, नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का देखते हैं जो कि 27% के आसपास रेवेन्यू जो है कंपनी का डाउन है। मतलब सऊदी अरेबिया में कंपनी ने आरबीएल ने जो एक सब्सिडियरी कंपनी बनाया है उसका देखते तो प्रॉफिट वगैरह जो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, जहां पे मतलब 35% के आसपास जो है Q1 25 में नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है एंड 27% के आसपास कंपनी का जो बोल सकते कि इसका जो रेवेन्यू है यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। स्टॉक जो है लगभग 4% के आसपास इसका एक इंपैक्ट पड़ा, शेयर का प्राइस जो यहाँ पे डाउन हुआ है। अभी आरबीएल को देखेंगे तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स तो मिल रहा है, लेकिन कंपनी में ऐसे कुछ अपडेट्स भी है जो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बोल सकते कि अपडेट्स है शेयर होल्डर्स के लिए। अभी आरबीएल का देखते यहाँ पे देखिए शेयर में क्या चल रहा है, कंपनी में क्या चल रहा है आरबीएल का, जहां पे देखते तो म्यूचुअल फंड्स जो है, म्यूचुअल फंड ने दोस्तों यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है। देख सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास 0.19% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने स्टेक जो यहाँ पे बहुत इंक्रीज किया है। एंड यहाँ पे बात करते जो FIS है, FIS के पास 3.13% का स्टेक था, FIS ने जो है ये स्टेक इंक्रीज किया है। एंड बात करते दोस्तों यहाँ पे जो रिटेल शेयर होल्डर्स है, रिटेल शेयर होल्डर्स के पास 17.26% का स्टेक था, रिटेल शेयर होल्डर्स से जो है यहाँ पे स्टेक रिड्यूस करके 15.79% का स्टेक किया है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने स्टेक इंक्रीज किया है एंड जो बोल सकते कि जो FIS ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है, रिटेल शेयर होल्डर्स जो है उन लोगों ने स्टेक यहाँ पे रिड्यूस किया है। दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट को लेके बात करते हैं, आरबीएल का जो प्रॉफिट वगैरह है, देखिए पिछले दो क्वार्टर से देखते हैं तो कंपनी का कुछ खास प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ। यहाँ पे देख सकते पिछले दो क्वार्टर का देख रहे हैं हम लोग, जहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है 478.56 करोड़ से डाउन होके 223.92 करोड़ हुआ है। पर क्वार्टर प्रॉफिट देखते हैं तो 53.2% के आसपास यहाँ पे डाउन हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू को लेके बात करते हैं, आरबीएल का पिछले दो क्वार्टर का हम लोग रेवेन्यू देख रहे हैं, 7.03,000 करोड़ से रेवेन्यू डाउन होके 4.33,000 करोड़ हुआ है। पर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो 38.4% के आसपास डाउन हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू डाउन हो रहा है पिछले दो क्वार्टर से, तो हमें नहीं लगता है कि दोस्तों अभी ये जो मतलब कंपनी का जो Q1 25 का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करेगा उसमें एक बहुत ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। यहाँ पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए अगर आप आरबीएल का शेयर रखे हैं होल्ड करके, या फिर आपके पास अगर आरबीएल का शेयर है, शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है दोस्तों उसमें देखते हैं तो मतलब ऐसे दो एनालिस्ट है जिन लोगों ने आरबीएल के शेयर को लेकर रिसर्च किया है, 50% का कहना है कि होल्ड करके चल सकते हैं, 50% का कहना है सेल करके चल सकते हैं। कंपनी यहाँ पे मजबूती से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, अपने बिजनेस को जो यहाँ पे मतलब बोल सकते कि जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इसको मिल रहा है आरबीएल को। वही अगर बात करते तो कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू जो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको कैसा लगता है दोस्तों आरबीएल का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।